हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन्फो सॉल्यूशन। अगर आपका अकाउंट अलाहाबाद बैंक में है और आप कोई भी आपको कोई चेक मिला है, आप उसको डिपॉजिट कराना चाहते हैं और आप डिपॉजिट स्लिप को फिल करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका अकाउंट अलाहाबाद बैंक में है और आपको अकाउंट पे चेक मिला है तो उसको आप डिपॉजिट कैसे करा सकते हैं। मेरे पास ये चेक है, ये मुझे ICICI बैंक का चेक है, ये मुझे मिला है जो कि अकाउंट पे ही है। ये चेक किसी भी बैंक का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ICICI बैंक का हो, किसी भी बैंक का हो, HDFC का हो, कैनरा का हो, एक्सिस का हो, येस बैंक का हो, किसी भी बैंक का अगर चेक मिलता है आपको अकाउंट पे ही और आपका अकाउंट अगर अलाहाबाद बैंक में है तो आप इस चेक को अलाहाबाद बैंक में कैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, आप अपने बैंक में कैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, आज की वीडियो में वही जानने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो में। पहले ही मैं आपको डिपॉजिट स्लिप के बारे में बता देती हूँ। इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये वाला पार्ट जो है ये बैंक आपको स्टैंप लगा के रिटर्न कर देती है और ये वाला जो भी पार्ट है ये बैंक अपने पास रखती है। चेक के साथ अगर आप लगा के देते हैं तो ये बैंक अपने पास ही रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको फिल कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच लिखनी होगी, जो भी आपके अलाहाबाद बैंक की ब्रांच है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर डेट लिखना होगा, मैंने यहाँ पे जैसे डाल दिया 2021। देन उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दीजिए, जिस भी अकाउंट नंबर में आपको डिपॉजिट कराना है, जो भी आपका अलाहाबाद बैंक का अकाउंट है। देन उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है, ये मेरे पास चेक है, ये चेक दीपक शर्मा के नाम से आया हुआ है और मेरा जो भी नाम है वो दीपक शर्मा है अलाहाबाद बैंक में भी, तो मैंने उस नाम को यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर टेलीफोन नंबर आपको देना है। देन उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखना है, मेरा भी चेक 20,000 का है, मैंने यहाँ पर 20,000 लिख दिया। देन यहाँ पे लिखा रुपीज़ इन वर्ड्स, आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे भी 20,000 लिख दिया। ये डिपॉजिट स्लिप आपको बैंक से भी मिल जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि बैंक ना जाएं तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। देन उसके बाद यहाँ पे है कैश, चेक नंबर, डेट, नेम या बैंक ब्रांच। तो यहाँ पे चेक नंबर जो ये भी है हमारा चेक नंबर यहाँ दिया होता है, इस चेक नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है 050546। देन उसके बाद ब्रांच, ये वाली जो बैंक है ये ICICI बैंक है, तो आप यहाँ पे ICICI बैंक लिखती है और इसकी जो ब्रांच है वो यहाँ पर लिखा मिल जाएगा आपको वसंत कुंज, तो आप यहाँ पर वसंत कुंज लिख दीजिए। अमाउंट में 20,000 है तो आप यहाँ पर 20,000 लिख दीजिए, टोटल में भी इसको 20,000 कर दीजिए। तो ये वाला जो भी हमारा पार्ट है ये बिल्कुल तैयार है। अब यही वाली डिटेल्स हमें यहाँ पर भी फिल करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, अगर हम कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो हमें फिल करना है, अभी हम फिलहाल कैश नहीं चेक डिपॉजिट कराने जा रहे हैं तो हमें ये फिल करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेट डाल दी 21। देन यहाँ पर मैंने ब्रांच का एड्रेस डाल दिया, जो भी मेरा ब्रांच है, मेरा है मालवे नगर का, तो मैंने मालवे नगर डाल दिया। देन यहाँ पर है अकाउंट विथ, तो हमने यहाँ पे ब्रांच डाल दिया, ब्रांच का नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना है आपका, जो भी अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर नेम लिखना है, नेम जिस नाम से चेक है आप यहाँ पर वो लिख दीजिए। टेलीफोन नंबर लिख दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख दीजिए, अगर नहीं है आपके पास तो ज़रूरी नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको रुपीज़ इन वर्ड्स लिखना है, कितना अमाउंट है आपका 20,000, तो आप यहाँ पर 20,000 लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखिए, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं 20,000। देन उसके बाद यहाँ पर चेक नंबर लिखना है, चेक नंबर यहाँ पर दिया होता है वही हमें यहाँ पर फिर से लिखना है, जो भी नाम है बैंक का वो हम लिख देंगे, ICICI बैंक का हमें चेक मिला है और जो भी बैंक की ब्रांच, इस चेक की डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। ब्रांच वसंत कुंज का है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, वसंत कुंज यहाँ पर डाल दिया। अमाउंट में 20,000 का है तो यहाँ पे हमने 20,000 डाल दिया, ठीक है। अब हमारे बिल्कुल तैयार है यहाँ पर, आप यहाँ पर डिपॉजिट कराने के लिए जो भी जा रहे हैं वो यहाँ पर अपने साइन कर देगा, ज़रूरी नहीं है दीपक शर्मा ही यहाँ पर डिपॉजिट कराने जाएगा, कोई और पर्सन भी अगर डिपॉजिट कराने जा रहा है तो वो यहाँ पर अपने साइन कर देगा। और आपको इसको यहाँ जो कट वाला पोर्शन है
यहाँ से आपको इसको ऐसे स्टेपलर करके लेके जाना है सो दैट कि बैंक वाले आपको ये वाला पार्ट जो है वो कट करके वापस कर दें और ये वाला बैंक के पास ही रह जाएगा, चेक के साथ लगा हुआ रह जाएगा। तो इस तरह आपको अपनी डिपॉजिट स्लिप को फिल करना है अगर आपको चेक डिपॉजिट कराना है, वो भी किसी भी बैंक का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।